दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। वंस अगेन यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एक्सपर्टीज। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बच्चों, क्योंकि ज्योग्राफी के इसके अंदर आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोस बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा। तो इंडिया के अंदर विंध्याचल और सतपुड़ा यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो आज सभी को पता होना चाहिए उस रिवर का नाम क्या है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में क्या करती है, फ्लो करती है और वो क्या एस्चुरी का निर्माण करती है। तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो याद रखिएगा नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा रिवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। तो भारत के अंदर जो सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पर मौजूद है, तो बच्चों वो कटक में मौजूद है, ठीक है। ठीक है, याद रखना है सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है आपका, कटक में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट संस्कृत ग्रामर। तो इनमें से किसने संस्कृत ग्रामर लिखी थी, तो वो थे पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम मीट्स गंगा इन लास्ट। तो कौन सी रिवर जो है हेड स्ट्रीम, कौन सी रिवर है जो गंगा के लास्ट में मिलती है, तो बच्चे वो है आपकी भागीरथी। कौन सी, भागीरथी। तो आप सभी को पता है अलक, नंदा और भागीरथी, जब ये दोनों रिवर देवप्रयाग पे मीट करती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ से इस रिवर का नाम गंगा पड़ जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द मेटल हुज सॉल्ट आर सेंसिटिव टू लाइट। तो कौन से मेटल का जो सॉल्ट है वो लाइट, उसकी सेंसिटिविटी लाइट से होती है ज़्यादा, तो वो है आपका सिल्वर, ठीक है। सिल्वर लाइट के कांटेक्ट में आते ही अपना कलर चेंज कर देता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। पतंजलि इज वेल नोन फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ। तो पतंजलि किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बच्चों वो है योगा सूत्रा के लिए। किस लिए फेमस है, योगा सूत्रा के लिए पतंजलि बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला, रिवर लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो रिवर लूनी जो है बच्चों वो पुष्कर से निकलती है और कहाँ पर जाके अपना पानी गिरा देती है, तो वो है रन ऑफ कच्छ। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में रिवर अपना पानी गिरा देती है फाइनली, क्योंकि ये एक इनलैंड रिवर है। कौन सी, इनलैंड रिवर, एक लूनी रिवर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन भाग ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट। तो कौन सी रिवर जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, तो है वो है बच्चों कावेरी रिवर। कौन सी रिवर, कावेरी। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए कि कृष्णा कहाँ से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन है द कंट्री दैट हैज़ हाईएस्ट बार्ले प्रोडक्शन। तो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा बार्ले का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो है रशिया। कहाँ पर, रशिया में सबसे ज़्यादा बार्ले का प्रोडक्शन किया जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी आर नॉट कॉज्ड बाय। तो सुनामी किसकी सहायता से नहीं आती है, तो वो है हरिकेन्स। हरिकेन्स की वजह से बच्चों सुनामी का कोई भी रिलेशन जो है वो हरिकेन्स से नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ। तो चंबल रिवर कौन से रिवर बेसिन का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये नर्मदा बेसिन का पार्ट है। किसका, नर्मदा बेसिन का पार्ट है। चंबल रिवर
नर्मदा बेसिन का पार्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय, तो डीडीटी एक फर्टिलाइजर है, इसका इन्वेंशन किसने किया था बताइए। तो इसका इन्वेंशन किया था मॉसले ने, किसने, मॉसले ने इसका इन्वेंशन किया था डीडीटी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर्स, तो इन चारों ऑप्शन में से किसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, तो वो है आपका है बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी। तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि बाल्टिक सी के चारों तरफ पाए जाने वाले कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स, तो इंडस जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो वो है बच्चों तिब्बत के पठार से, कहाँ से, तिब्बत के पठार से इंडस रिवर निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो रहेगा बच्चों वीनस। और अगर ब्राइटेस्ट की बात करी जाए तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी आपका कौन सा रहेगा, वीनस ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डस चंबल रिवर मर्ज, तो किस रिवर के साथ चंबल रिवर मर्ज हो जाती है, तो वो है बच्चों यमुना, किस रिवर के साथ, यमुना रिवर के साथ चंबल रिवर मर्ज हो जाती है, ठीक है। चंबल रिवर कहाँ से बहती है, रेवाइंस से, रेवाइंस मतलब चंबल का डाकू, आपने सुना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो बच्चों हुई थी दार्जिलिंग से, कहाँ से हुई थी, दार्जिलिंग से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये चारों नदियाँ कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कौन सी रिवर की सहायक नदियाँ हैं, तो ये हैं बच्चों कावेरी की, किसकी, ये चारों ही कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम, ये बच्चों पीजीटी ज्योग्राफी के एग्जाम का क्वेश्चन है, कहाँ का, पीजीटी ज्योग्राफी के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भारत निर्माण, निर्माण से आप समझ सकते हैं किसी भी चीज का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच पेनिनसुलर रिवर इज लीस्ट सीजनल इन फ्लो, तो कौन सी पेनिनसुलर जो रिवर है वो सीजनल रिवर, बहुत कम सीजनल रिवर है, तो वो रहने वाली है बच्चों गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर भी है, ठीक है, और सबसे बड़ा बेसिन बनाती है साउथ इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो वो है बच्चों चेन्नई, कौन सा है, चेन्नई पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज फ्रॉम गंगा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, तो देव प्रयाग के ऊपर अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो है वो मर्ज करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियर पावर सेंटर, तो इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है, तो बच्चों चमेरा इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट या सेंटर, ठीक है, चमेरा इज नॉट अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैलीलियो वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु, तो देखिए आप सबको पता है गैलीलियो कौन थे, एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो बच्चों उन्होंने डिस्कवर किया था ये तीनों चीजें ही, उन्होंने टेलीस्कोप की डिस्कवरी करी थी, उन्होंने जुपिटर की सैटेलाइट की डिस्कवरी करी थी, और उन्होंने ही डिस्कवरी करी थी मोमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूसेस एंगुलर रेगुलर टाइम मेजरमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू रिमूव, तो आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स होते हैं, तो वो किस चीज़ को रिमूव करने के लिए बनाए जाते हैं, तो बच्चे वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM को क्या कर रहे हैं, SPM को रिमूव करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस, तो पहली अफगान वॉर जो है बच्चों वो कब हुई थी, तो पहली अफगान वॉर बच्चों हुई थी आपकी कब, 1839 में,
याद रखिएगा, पहली अफगान वॉर कब हुई थी बताइए, तो वो पहली अफगान वॉर हुई थी 1839 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, हिटलर पार्टी विच केम इन टू पावर इन 1933 नोन एज, तो हिटलर की पार्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों नाजी, नाजी पार्टी के नाम से हिटलर पार्टी की को जाना जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है हबीस कॉर्पस एक्ट 1679, तो हबीस कॉर्पस एक्ट क्या था, तो बच्चों वो था इन चार, ये तीनों ही पॉइंट्स के अंदर थे। पहला, प्रोवाइड फैसिलिटी टू प्रिजनर टू ऑब्टेन इधर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल। अगला था स्टेट दैट नो वन वॉज टू बी इम्प्रिजेंट विदाउट अ राइट और वारंट स्टेटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम। अगला है सेफ गार्डेड द पर्सन लिबर्टीज ऑफ पीपल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इम्प्रिजमेंट बाय किंग्स ऑर्डर। अगला क्वेश्चन रहेगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज कहाँ का जुडिशरी सिस्टम है, तो बच्चे वो कहाँ का है, तीनों का है, आप लोगों को पता लगा होगा असम का है, तो बच्चों असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तीनों को ही जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट जुडिशरी सिस्टम अपना प्रोवाइड करवाता है। अगला क्वेश्चन है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय, तो गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल है वो किस किस ने फॉर्म किया था, तो बच्चों वो है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड, क्योंकि ये सारे ही जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, इसलिए इन्होंने अपना एक काउंसिल बनाया। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स, तो ये क्या है, तो बच्चे ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, लार्जेस्ट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एफएफसी किस चीज के लिए स्टैंड करता है, तो बच्चों एफएफसी जो है वो है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। एफएफसी का मतलब क्या होता है, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम, तो फ्रिक्शन को आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो बच्चों स्लाइडिंग से आप रोलिंग कर दो, अगर आप रोलर का यूज करोगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन, तो पहली जो चाइना वॉर थी वो किन दो देशों के बीच में हुई थी, तो वो थी बच्चों चाइना और ब्रिटेन के बीच में, किसके, चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, तो जब भी हम सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं तो वो किस चीज में हमारी हेल्प करता है, तो वो है द अल्ट्रा वायलेट रेस कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, तो कुछ कम क्वांटिटी में जो अल्ट्रा वायलेट रेस हम तक पहुंचती है वो स्किन ऑयल को क्या करती है, विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी इज साइंस दैट स्टडीज, तो एंटोमोलॉजी किस चीज के बारे में स्टडी करता है, तो वो है इंसेक्ट्स। ज्योग्राफी का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन आया है, ये यूपी पीजीटी में पूछा गया था एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 11th अंटार्कटिक एक्सपेडिशन इन नवंबर 1991 एंड मार्च 1992 वॉज इंस्टॉल्ड, तो बच्चों वो जो है सोडार, सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इस चीज को इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एरिट्रिया विच बिकेम 182nd मेंबर ऑफ यूएन इन 1993, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो बच्चों ये है आपका अफ्रीका में, कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। तो आई होप गाइस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। सो यहाँ तक आए हैं तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Yeah.